आज सुबह जब मैं टहलने निकली तो मुझसे 500 किलोमीटर दूरी पर एक इंसान था और सोचा उसे देखी कि इसकी रफ्तार तो कम है, इसे मैं इजीली कैच कर सकती हूँ। तो फिर क्या था, उस इंसान को हराने के चक्कर में फास्ट मैंने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब जो कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि मैं उसे कुछ कॉम्पिटिशन कर रही हूँ और मुझे बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि जब मैं तेजी से जा रही हूँ और उसे कैच कर ली और इजीली कुछ ही दूरी में जाने के बाद उसके पीछे पीछे जा रही थी। और वहाँ से मुझे जस्ट ओनली 1 किलोमीटर होके वहाँ से रिटर्न जाना था और फिर मुझे अपने वर्क के लिए भी शेड्यूल बनाना था। बट उस इंसान को हराने के चक्कर में, उसे पीछे रखने के चक्कर में वहाँ से मैं बहुत दूर निकल गई। देखते देखते बोलते आगे आगे और जब आ गई तो बड़ा खुशी, बड़ी प्राउड फील हो रही थी। उरे आई एम विन, आई वाज विनिंग, नाउ दैट खुद को शाबाशी देने में इतनी मशगूल थी कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कि मैं कहां से कहां आ गई। अब वहां आने के बाद भी देखा, अरे आई एम सो लॉस्टिंग, आई एम लॉस्टिंग माय टाइम। सो फिर वहां से रिटर्न बैक जाओ, फिर मुझे अपना वर्क शेड्यूल बनाओ, फिर मेरा क्लास लो। वहां से ये सोच सोच के मुझे लगा कि क्यों ही मैंने इस इंसान से कॉम्पिटिशन ली जो कि मेरी कॉम्पिटिशन का पार्ट भी नहीं था, ना तो उसके साथ मैंने कुछ कंसल्टिंग थी कि आप मेरे साथ कॉम्पिटिशन करोगी या नहीं। और फिर वहां से मेरा स्टार्ट हो गया चिड़चिड़ापन। बड़ा डिस्टर्ब लग रही थी, क्या करूं अब मैं, कैसे किस तरीके से अपने इस टाइम को मैं मैनेज करूंगी। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है ना, जो हमारे कंपटीशन का पार्ट नहीं होते हैं फिर भी हम उसके साथ कंपटीशन करते करते हम अपना गोल मिस करके कहीं और चले जाते हैं। तो ये जिंदगी में होना ही है, कोई आगे रहेगा कोई तो कोई पीछे रहेगा, ये तो नेचुरल ही है। तो हम इस पे क्यों ज्यादा फोकस करते हैं? फोकस क्या है, हमारा गोल करना है, हमें क्या करना था, ये तो मैं भूल गई थी। और मैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो इंसान के साथ कंपटीशन करती सामने निकल जाने में। तो कोई ना कोई आगे रहेगा, कोई ना कोई हमसे खूबसूरत रहेगा, कोई ना कोई हमसे अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, किसी के बच्चे अच्छे रहेंगे, कोई अच्छे जॉब में रहेगा, ये नेचुरली है। तो इसके लिए हम ये अभी जो न्यू ईयर में है ये हमेशा अपने इस बात को फोकस करते हुए ध्यान में रखना है कि आगे भी जिंदगी में, न्यू साल में भी ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे जो हमसे बहुत, कोई आगे चला जाएगा कोई पीछे रहेगा, वहां फोकस न करते हुए हमें अपने उस कल पे फोकस करना है कि कल हमने अपनी गलती क्या की थी और नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसे कैसे इम्प्रूव करना है। फोकस नाउ दैट, तो नए साल में हम ये सब प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने कल से बेहतर आने वाले कल को अच्छा बनाएंगे। तो आप भी ये प्रॉमिस करते हो? ओके, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।